जय हिंद दोस्तों, ये वंश डेयरी गांव समौरा इंद्री रोड पर करनाल में हरियाणा में पड़ता है और प्रीतम जी हैं। अभी एक दिन पहले भी इनकी वीडियो बनाई थी, आज फिर हैं। तो आज व्यापारी इनके पास आए हुए हैं, जम्मू से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तेलंगाना से हैं, तो मिलवाएंगे, देखते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मुमताज। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर जी सर। इनके पास पहली बार आए? नहीं, 15-16 साल हो गया इनके पास आते। हाँ हाँ, 2014 से आ रहे हैं। लगातार आ रहे हैं। कितने पशु ले गए? दो गाड़ी ले जाते हैं हर बार। हर साल? हाँ हर साल। तो आगे बेचते हो? नहीं, अपने घर के लिए। डेयरी खोला आपके पास? अभी 15-20 है। इसका मौसा भी करता है ना जी? दूध कितना होता है? दूध 50 किलो, 60 kg। खेती भी है? हाँ खेती भी है अपनी। क्या खेती में क्या होता है? गंदम होती है, मक्की होती है। अच्छा, मक्की होती है, गंदम होती है। गंदम होती है, गंदम गेहूं को बोलते हैं। हाँ हाँ, गेहूं। तो हाँ जी अंकल जी, इतनी बार आ गए इनके एरिए में, क्या है इतनी लंबी दोस्ती तुम लोग? सुनो अंकल जी, मैंने आपको पहले बोल रखा, जम्मू कश्मीर का 95% मेरे पास आता है, किसी से मर्जी पता कर लूटने की बताऊंगा ना मैं आपको। इनके मेरे ख्याल से मोसा मारू भाई आपको 20 बार तो मिल चुका है, मिल चुका है। इसका सगा मूसा है। अच्छा। हाँ जी, ये बेचारा ना तो कुछ लेते ना देते। ये अपने गांव का जो किसान है बोला वाला बेचारा, 1 रुपये भी कमीशन लेते, ये सामने बैठे आज लग 1 रुपये लिया। ये बस ये अच्छी चीज लेके जाए तभी जुड़े हुए हैं। ये अभी इसके गांव के ने लिया, इसने नहीं लिया। अपनी तारीफें खुद ही करते रहते। इसके गांव के ने लिया अंकल जी, कितनी बार आ गया आप अपने आप ही पूछ लो ना, पहली वीडियो में भी आ चुका है। अपनी तारीफें करते हमने कोई देखा ही नहीं। एक मिनट अंकल जी सुनो तो। हाँ। जो चीज है वो बताएंगे ना आपको। अच्छा, जो चीज क्लियर है वो बताएंगे। 14 से जुड़े तो इनका घाटा भी पूरा किया तुमने? पूछ लो घाटा पड़े भी हो आज। बताओ ना एक बात बताओ जी, जब आप मेहनत करें, ज्यादातर भैंस का काम करते हैं। अच्छा, अब भी भैंस ली उन्होंने? 7 पशु लिए हैं, 3 भैंस 4 गायें, अब भी 7 लिए। ये जो गाय दिखाई, ये 32 लीटर दूध रेडी है इसके नीचे। चीख 14 दिन के बच्चा है। ब्याह गई है? हाँ जी, बच्चा दिया। इसने फीमेल है शायद, इसकी फीमेल है। साथ में दे दो इसको, दे दिया इनको। कितने की? ये 2 गाय इकट्ठी दी है, 1.40 की। तो दूध कितना होता है? अभी 32 लीटर रेडी है, 2 टाइम का। 32 लीटर दिया है, बिल्कुल तैयार है इस टाइम। 1,40,000 में दिया, जोड़ा दिया जी। जोड़ा? हाँ, जोड़े की भी दिखा, जोड़े वाले दूसरी दिखा, दिखा देते हैं। 10 लीटर वाले? ओ नहीं अंकल जी, दिखा देते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो आप। दिखा दे, ये उस जोड़े में। हाँ जी, हाँ जी। कितना दूध देगी? 30 तो हो गया यहाँ पे भी। इसका? हाँ 30 लीटर अभी ठीक है इसका जी। 30 लीटर हमने निकाल रखा है यहाँ पे। जाएगी ये 32 से 33 हो जाएगी। ये आज भी आई, इसको कोई 6-7 दिन हो गए। 6-7 दिन, उसको 3-4 दिन हुए थे, उसको 3-4। हाँ जी, मतलब दोनों मिलकर 70 लीटर दे देंगे तुम्हारे पास यहाँ पे आराम से? बिल्कुल जी। इनके पास? इनके पास अगर सेवा करेंगे तो उतने देंगे। दे देंगे? हाँ जी। 1.40 की दिया? 1.40 का जोड़ा दिया। 35-35 लीटर वाली समझो, 70-70 हज़ार में। हाँ जी, 2,30,000 में 2 भैंसे दी हैं इनको, जो जोड़े के दिए हैं। एक जोड़ा ये दिया, एक गाय फिर अलग रेट में दिया, मतलब जोड़ा ऐसे दिया जी। अच्छा। हाँ जी, मतलब ये जोड़ा 1.40 का? ये जोड़ा 1.40 का दिया जी, 2 टाइम। ये अब 3 दिन हो गए। खाया तो नहीं इसने कुछ? नहीं कुछ नहीं खाया हमने यहाँ पे। अभी हम इसने पिछली वीडियो बनाई तो उसमें से 30 लीटर वाली 65,000-70,000 नीचे बात हमको बोलने नहीं देता था। नहीं, बढ़िया गाय ली हमने, दूध वाली ली। 4-5 दिन यहाँ पे बैठ के उसका दूध पूरा किया है, 2 टाइम 3 टाइम दूध उसका खुद निकाला है। कोई इसमें नहीं है धोखा शोखा, कोई नहीं। तुम इतने साल से आ रहे हो, उधार उधर कर लेता? कर लेते हैं। कभी पैसे मत मारना। नहीं कभी पैसा नहीं, अगर मारोगे घर से दे तो ये दूसरों पे भी विश्वास जाता रहेगा। नहीं, बड़ी आदमी है। अब ये प्योर है या नहीं है, लेकिन जो इसकी बनावट है ना जी, बहुत सुंदर है। ये क्रॉस की है, आज सवेरे चीख से खाली कर दिए जी। ब्याह गई है? हाँ 3 दिन हो गए। तो इन्होंने सारी ब्याही हुई ली है? नहीं, ये इनकी नहीं है जी। अच्छा। हाँ ये तो अभी, तो ये कितने दूध वाली है? ये देगी 25-26 लीटर तक जी। 25 लीटर? हाँ जी। तो क्या दाम में फिर ये दे देंगे जी? 65,000 रुपये। ब्याह ब्याह सेकंड बार की? तो ये 25-26 है सेकंड में या क्रॉस में है अंकल? आप तुम इसका मेरे के 65,000 बोल। हाइट देखो ना कितनी है। हाइट तो बहुत है, हाइट ब्यूटी उसकी
उम्र कितनी है इस चीजों पे दूध के ऊपर मतलब नहीं, नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दूध वाली आप मेरे साथ 25-25 लीटर वाली 50 का ठेका कर लो। अच्छा बोलो आप जितनी कहोगे उसका कोई फायदा नहीं अंकल। यंग पशु ही बिकता है तो ये अब तुम ये बेचनी है ये बेचनी है जी 70 की। हाँ जी नहीं 65,000 65 की। हाँ जी 25 लीटर दूध जी 60 अभी चीक है 22-23 लीटर कोई भी निकाल के ले जाए। इसमें झूठ तो बोलेंगे ना अंकल जी, इसमें कोई भी निकाल के ले सकता जो मिल्किंग तो नहीं कहा तुम झूठ बोलते। जो मिल्किंग कौ है उसका अगर जो ब्याह बच्चा दे दिया 2 टाइम दूध निकाल के तसल्ली करके लेके जाओ। नहीं तुम ये बताओ कि 60 में दे दोगे? नहीं नहीं मान सम्मान करेंगे सिर्फ 61 में। 2,000 रुपये का फर्क रहेगा हमारे जो 2,061 में हो गया। ठीक नहीं नहीं 63,000 रुपये भी मैंने आपको जी बिल्कुल जायज रेट बोला। हमें नहीं बोलते तुम अपना जितने मर्जी बेचो बकवाओ दो चलो दो आप पैसे दो 61 दे दो आप ले तो लेगा एक तो 61 में दे दोगे आपको दे दूंगा। चलो ठीक है। हाँ जी चलो लाग लीला। कहाँ से हो? तेलंगाना। तेलंगाना बड़ी दूर से आए हो। नाम क्या बताया? संजय कुमार यादव। पास में आओ। संजय कुमार यादव वहाँ भी यादव होते हैं? हाँ होते हैं। तो कितनी गाय खरीदी? 24 24 कितना पैसा लगा? 56,000 के हिसाब से दिए। 24 गाय 56। हाँ जी। दूध कितना उसमें? 30 लीटर वाली भी है 40 वाली भी है 25 से 40 के बीच में इकट्ठी लिया इसलिए रेट कम है। 54,000 एक गार्डन की कल जा चुकी है। 25 लीटर से लेके 40 तक है जी उसमें भी। 40 तक? हाँ जी उसमें रेडी वाली भी है मिल्किंग वाली भी है एक महीना कच्ची भी है। 40 तक देगी और 54 में दोगे? हाँ जी दे दिया 56 के हिसाब से इन्होंने ले लिया जी। पैसे नगद दे दिए सारा पैसा ए टू जेड। इसका 1,52,000 बाकी है अभी एक गाड़ी अभी लोड होनी है। कितना पढ़े हो? कितना पढ़ा लिखा? एजुकेशन कितनी है? मैं इंजीनियरिंग हो गया। इंजीनियरिंग कर रहे हैं? इसकी मदर भी आई है ये दोनों इकट्ठे जॉब नहीं करते? तो मदर कहाँ है? मेरा फादर का हेल्थ अच्छा नहीं उसको हिंदी नहीं आती। हिंदी नहीं आए थे उनको। ये जो भी गाय तुम दिखा रहे हो? हाँ जी। ये तो बुद्धि है। कौन सी? अभी जो दिखाई? नहीं नहीं 6 दांत है जी दूसरे की। दूसरे में? हाँ जी। वो तो ऐसे ऐसे नहीं नहीं दूसरे की अच्छे 28 लीटर रेडी है इसकी। 6 दिन की ब्याई होगी 28 लीटर रेडी है। 28 लीटर? हाँ जी। दाम क्या? दाम दे देंगे 70,000 रुपये 30 से ऊपर जाएगी। बढ़ने लगे बस गाय के ऊपर रेट है जी 30 की भी दिखा के। नहीं तुम्हारी मर्जी पर है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं अंकल जी। गाय की क्वालिटी ब्यूटी अडर उसकी अडर की थन पे गैप कितना है हाइट कितनी उसके हिसाब से रेट होता है। इसको ना सांस की बीमारी हो जाती है कई बार। किसको? गाय को खांसने लगती है या कुछ? वो तो कोई नाल नूल से कोई चीज दे देते हैं जैसे उससे दस का चढ़ जाता है या कोई जैसे मुंह से थोड़ी ताड़ी कहीं अटकी रहती है उससे उसके लिए दवाई आती है कैफलोन हो गया देसी भाषा में जैसे गुड़ को सरसों के तेल में भे के दे देते हैं चिकनाहट में वो उससे ठीक हो जाता है। वो तो कोई बड़ी सुनी है। हाँ जी ये दादी माँ? दादी माँ कैसे माता जी बुढ़ी है? नहीं नहीं साहिवाल। आपकी उम्र से कम है जी? साहिवाल क्रॉस है? नहीं ये हेयर शहर में पड़ती है जी। नहीं तो ये साहिवाल क्रॉस नहीं है? नहीं नहीं हेयर शहर में आती है। तो कितनी फैंट होगी इसकी? ये 4.5 के आसपास जी। ब्यांत कौन सी है? तीसरी बार की। तीसरी बार? हाँ जी। तो पूरा अथी का अथी है जी। वजन देखो कितना देती है? दूध देगी कम से कम 35 लीटर ही। तो शरीर से भारी है? आप अच्छी गाय है जी। खाती कितना? खाएगी तो अंकल जी 10 kg फीड और पेट भर आएगा कम से कम 20 किलो हरा चारा बाकी सूखा चारा। अच्छा। हाँ 10 किलो फीड देते रहो कभी गाय ना तो कमजोर होएगी। अगर सोचता है कोई 30 लीटर दूध निकाल ले फीड दे 5 kg तो वो ठीक नहीं। पहली ब्यांत में कितना दिया होगा इसने तुम्हारा अंदाजा? सेकंड बार का तो अंदाजा जी पहली का तो देखो पता नहीं। सेकंड में दिया होगा 32-33 लीटर के आसपास। 32-33 के आसपास अभी तीसरी बार बच्चा। तो दाम क्या है इसका? ये दे देंगे इस टाइम जी 80,000 रुपए। महंगी नहीं है? नहीं चीज देखो ना जी अंकल जी चीज देख के बताओ ना। तो 1,000 गायों में से एक गाय मिलती है ऐसी 30-35 देगी? तो अंकल जी दूध के ऊपर गाय का रेट नहीं होता। जो 2 लाख की होती है वो भी तो इतने देती है। होगी 7-8 क्विंटल की? 8 क्विंटल के आसपास होगी आराम से। गाय थनों का गैप देखो चलो हेयर शेयर में आते हैं ये क्रॉस में जर्सी क्रॉस में जर्सी क्रॉस। हाँ दूध कितना? दूध निकाल लेगी 32-33 लीटर। ब्यांत कौन सी है? सेकंड बार की है जी। सेकंड बार अभी 1 महीना 5 दिन बाकी है। ये तुम कैसे कहते हो 1 महीना 5 दिन बाकी है? वो पक्की चेक करके लेके आ रहे जी।
दाम क्या है? दाम दे देंगे इस टाइम मौके पे जी 65,000 रुपए। 65,000? हाँ जी। दूध 25 दे, अगर तैयारी पे बेचेंगे तो ऐसी कहाँ 80-85,000 की है जी। हाइट देखो कितनी है उछड़ी। क्या कहोगे इसकी? दूसरी बार बच्चा देगी 6 दांत है मुँह से जी। प्योर है? हाँ जी प्योर में। प्योर कैसे कहते हो? देख लो ना पीछे से लेके सीधी होती है बिल्कुल। देखो ना ये जो अच्छा वो सीमन की बछड़ी है उस बीच में उठी होती है। ये नेट पे चेक कर लो आप, 35 लीटर वाली बछिया दूसरी बार बीच में। नेट वाले कहते हैं जो सीधी होती है वो? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। पुट्ठा देखो ना किस टाइप का है जी। कितने दाम की है? ये दे देंगे जी इस टाइम कोई लेगा 75,000 रुपये। ब्याह तो सेकंड बार की 75,000? हाँ जी। दूध? दूध 35 लीटर कम से कम जी। अभी 35 लीटर 25 दिन बाकी है। 70,000 में दे दो? 75,000। अच्छा वो तुमने वो जो तेलंगाना वाले को दी है? हाँ जी। 25 से लेके 40 तक झूठ बोलते हैं सही बोलते जी। और 54,000 के लॉट में दी? 56,000। 56,000 के जी। 40 गाय दी जी। 24 बोलो संतुष्ट है? आप क्या आगे नहीं बैठे हैं संतुष्ट है? अंकल जी कौन देता है? उसकी माँ आई है साथ में। हाँ जी। उसको हिंदी नहीं आती ना इंग्लिश आती? नहीं संतुष्ट है। हाँ जी बिल्कुल। ये जो अब वो साथ में आए हैं ना जी, तो उनको पैसे की कीमत पता है। हाँ जी। और जो देखेंगे ना जी चीज को 100 बार देखेंगे जी, तब वो पसंद करेंगे जी। अब जो ऑनलाइन करते हैं ना इसीलिए फंसते हैं। इसमें तुम्हारी भी सिरदर्दी कम होगी अपने आप चेक करके ले जाने के बाद? बिल्कुल फर्क तो है ही है जी उस बात का। अब देखो उसकी माँ को चिंता थी इस, उसको लड़के पे भी इतना नहीं था तब साथ में आई है। उसके नाम लोन होगा ना इसलिए अपने आप आई जी साथ में। तो लोन लियो नहीं तो लोन तो लड़के को देके ही भेज देते हैं। हाँ जी कर्तव्य की दुनिया सारी। चलो क्या नाम है आपका? बालाजी सुरवे से। जोर से बोलो। बालाजी सुरवे से। बालाजी सुरवे से। कितना पढ़े आप? मैं 12वीं कक्षा में। कितनी गाय ली इनसे? इनसे 5 ली। 5 ली? कितने पैसे लिए? पैसे एक गाय के 65,000। वापस लिए? दूध कितना देने वाली है? कम से कम 20 लीटर। कम से कम अधिक से अधिक? ज्यादा से ज्यादा 25 लीटर। 30 नहीं? 30 जाएगी। 30 तक जाएगी? उसके गाय के ऊपर रहेगा वो। तुम्हारी खुराक के ऊपर? खुराक के ऊपर। सेकंड वाली तो ली इन्होंने 65,000 के हिसाब से, जो फर्स्ट की ली है वो 47,000 के हिसाब से। अब इस ये वीडियो बनवा रहे हो? हाँ जी। तो वीडियो गाय की बनवा रहे हो या ये खरीदने वालों की बनवा रहे? देख लो कितने कस्टमर आए। आप ही पूछ रहे थे ना कौन कौन आया, मैं दिखा देता हूँ थोड़ी दिल। तुम्हारी बोलबाल तो इतनी रोकी है। हाँ जी। कि जैसे मतलब कोई दिक्कत नहीं है बालाजी भाई। ये दो किसानों के पास ऐसी सख्त बोली थी, दो एजेंट के पास घूम के तब यहाँ पे आए। बता दो भाई, बालाजी भाई बता दो पैसे दिए बोल दो। तारीफ करने के पैसे थोड़ी ही देता है। तारीफ करने के पैसे थोड़ी ही देता है। अच्छा। आदमी को पहचान के तारीफ करते हैं। बोली कितने रूखी है? किसको है? नहीं रूखा इतना बोलता है? नहीं नहीं बोलता है, आदमी देखकर बोलता है। कितना भाड़ा लगेगा? किसका? तुम्हारा। वहाँ जाने गायों का 10,000 एक गाय। पाँच ऐसे अंकल जी तो 7 जाती है? 7 नहीं 8 जाती है। तो इनकी जैसे 5 तो इसकी बीट जाएगी। 2 राकेश ने पुणे बेची है कुकर डेरी में। कुकर? हाँ। तो उसमें मशहूर है दूध दूध तक? चलो मशहूर तो आप भी हो, ये भाई भी है, हर एक आदमी है मशहूर। तो उसका अपना काम हमारा अपना है, तो एडजस्टमेंट करके भेज देते हैं। अगर अकेला लेके जाता है तो तब भी इसका वही भाड़ा लगेगा। हाँ जी। नहीं तो आप उसने कितने दो भेज दिए? दो उसने भेज दिया। कितना देगा भाड़ा? वो 20,000 देगा। और ये जो बाकी का इस पे लगेगा कितना भाड़ा? कितना है? यही कोई छोटी गाड़ी जाएगी कोई 40,000 के आसपास, 40-10,000 रुपये उस पर खर्चा लगा लो। 20,000 में तो इसको देना पड़ेगा? 30 इसको देना पड़ेगा, 20 उसको देना पड़ेगा। तो फिर ये तो कहता हूँ वो 10,000 एक गाय का देना पड़ेगा। ऐसा अंकल जी जो नहीं लेके जाता तो दो नहीं जाती। तो अब इसका फायदा हो गया? हाँ फायदा। 20,000 किसका फायदा? आज लोड होनी थी इसकी, आज रोकी है मैंने भाई, आज रुक जाता हूँ। तो ये अच्छा काम तुम क्यों कर देते हो भाई? है बहुत बढ़िया भाई है जी। ये चार घुमा रहे हो? चार जी फर्स्ट की है। चार क्या मतलब? ये इन्होंने बालाजी भाई ने लिया। आपने लिया बालाजी? हाँ जी। कितना दाम लगाया? 47,000। हाँ जी। 1,000 ज्यादा लगा दिया? नहीं लगा। कितना दूध वाली है? कम से कम 20 देगी, ज्यादा से ज्यादा 25 से आगे जाएगी। तुम बोलो। बिल्कुल ऐसी है जी। 25 लीटर वाली? 20 से 25 लीटर के बीच में सभी तैयार है। ये नहीं आगे 5 महीने की प्रेगनेंट है, 6 की है। ये सभी 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक है बस। 10 से लेके 20 दिन के बीच में है। क्वालिटी ब्यूटी प्योर है जी। चारों की चारों बछिया। थोड़ी बहुत क्रॉस? नहीं नहीं कोई क्रॉस नहीं है।
आपके आगे ब्यूटी आपके 47,000 में दी है। 47 हिसाब से ये भाई 2-3 ब्रोकर के पास घूम के आया, पूछ लो। नहीं तो अब घूम के तुम्हारे पास आया? नहीं नहीं, घूम के ऐसे नहीं आया, कोई ब्रोकर इसको यहाँ लेके आया, इसने 4 बच्चियाँ सिलेक्ट की, मैंने 75,000 के हिसाब से बोला, तो ये घूम के और कहीं इसने सारी करनाल में कई बच्चियाँ पसंद आई। हमारे कहने कितने छोड़ दोगे? बस छोड़ दी इसको, आपके कहने के कितने छोड़ दोगे? नो प्रॉफिट नो लॉस में दिए, इसको पता इस बात यार ऐसा नहीं। अब देखो ये 16 तारीख को इसका भाई यार, वो तो इतना बढ़िया आदमी है, 16 तारीख को पहले दबाओ ने इसको, 16 तारीख को इसका भाई दोबारा आ रहे हैं, इसलिए इनको भाई एक अपने जुड़ने के लिए तब दिए। आप कितने पैसे हमारे कहने कितने छोड़ोगे? आपके कहने से 50 के हिसाब से दे, 3,000 एक्स्ट्रा ले लेंगे। नहीं नहीं क्यों, अब तुम जो है इसको आप 100 रुपये और कम कर दो, 100 कम कर दें, चलो ठीक है ठीक है। व्यापारी तुम्हारे पास आता है, तुम तुरंत माथे के ऊपर सिलबटे कर लेते हो, किसे आते हो क्यों? एक पे जो आता है ना, देखो यार कुएं प्यासे के कुआं जो कुएं पे लोग तभी आएंगे ना अगर पानी है तो। हमने कुआं बंद कर रखे ना इसलिए।